किस किस को लगता है कि किचन में काम करना बहुत आसान होता है, नीचे कमेंट करके बताना जरूर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग स्वेता आकांक्षा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं बता दूं, मैं हूं आकांक्षा। और आज दिन सबसे पहले मैं आपको आज दिन बता देती हूं। आज दिन है वेंसडे और डेट का मुझे पता नहीं, आई थिंक 23rd या 24th होगा, पता नहीं, कैलेंडर देखना पड़ेगा। मुझे डेट का कभी आइडिया नहीं रहता है, मैं हमेशा भूल जाती हूँ। और तो अभी सारा काम मेरा फिनिश हो चुका है, सुबह का सारा चीज़ ख़त्म हो चुका है। और आज कान्हा भी स्कूल गया हुआ है, एक्चुअली उसका एग्ज़ाम चल रहा है। पता नहीं उसका एग्ज़ाम क्या चलता है मुझे समझ भी नहीं रहा। उससे पूछा क्या हुआ कान्हा आज एग्ज़ाम में, तो बोलेगा बस खेल रहा था, बस खेल के आया हूँ। तो पता नहीं उसका एग्ज़ाम क्या होता है, आई डोंट नो। और अभी बस आने ही वाला है, 10:30 में अभी वो आ जाता है। ऐसे तो वो 12 में आता था, जब से एग्ज़ाम उसका शुरू हुआ है वो 10:30 आ जाता है। तो बस उसी का वेट कर रही थी बैठे बैठे, तो मैंने सोचा चलो वीडियो का स्टार्ट कर लेते हैं। वेट करते करते तो आ जाएगा, तो बस उसे खाना खिलाना है, तो इसलिए मैं वेट कर रही थी कि एक ही साथ मैं अपना भी बना लूँगी, उसका भी बना लूँगी। बार बार गैस जलाना, तवा गर्म करो, तो मतलब एक बार करो, चार बार करो, गैस तो ज़्यादा ही ख़त्म होते हैं। ये गीला है, बाहर धूप है नहीं, आज वेदर काफ़ी अच्छा हो रखा है, काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है, तो इसे मैं यहीं पे डाल। मेरी आदत है वैसे कहीं दरवाजे पे टॉवेल, ये पता है ये जनरली ना जेंट्स की आदत होती है, कहीं दरवाजे पे टॉवेल रख दिया, कहीं पंखे पे रख दिया, कभी अलमीरा पे रख दिया, कभी बेड पे रख दिया। ये एक्चुअली मेरी भी आदत है कि कभी मैं बेड पे सुखा देती हूँ, कभी दरवाजे पे सुखा देती हूँ। मतलब तो बाहर में नहीं जाती, छत पे जाने में आलस आता है कि कौन जाए, अब बाहर कहीं धूप नहीं आती है नीचे, तो जाना पड़ेगा ऊपर ही, तो मैं कभी दरवाजे पे। और मेरी आवाज़ थोड़ी सी फंसी फंसी लग रही है ना, क्योंकि मुझे सर्दी सर्दी अंदर से लग रही है। मैंने दवाई मंगाई थी, एक खाई थी, फिर मैंने छोड़ दिया था, थोड़ी सी ठीक हो गई थी, मैंने छोड़ दिया था, फिर से होने लग गई। और आज मैंने डाला है ये वाला कुर्ता, देखो देखा ये वाला कुर्ता। और ये कुर्ता मम्मी लाई थी पंजाब से, मम्मी नहीं लाई थी, दीदी ने दी थी मेरे लिए। कान्हा आया है तो मैं आई थी रोटी बनाने के लिए। आज मैंने नाश्ते में कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि परसों की चने की दाल पड़ी हुई थी फ्रिज में बहुत सारी, तो मैंने आटे में उसी को गूंथ लिया और उसी का मैं पराठा बना रही हूँ। तो है ना ये बची हुई चीज़ों का अच्छा यूज़, कुछ नहीं बनाना पड़ता, बस पराठे के साथ मलाई मिर्ची चल जाती है, वो बना के खा लो। तो वही मैं कर रही हूँ और मैं अपने लिए भी बना रही हूँ, तो चलिए बना लेते। पहले बहुत बार ऐसा होता है ना कि जो चीज़ें बच जाती हैं वो हम लोग फेंक देते हैं, तो यार जिसको करना पड़ता है वो समझे ना, हर चीज़ में पैसा लगता है यार, बिना पैसे के कुछ नहीं होता। तो मुझे इतनी सब्जी फेंकना बहुत बुरा लगता है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं फ्रिज में रख देती हूँ, रखी रहती हूँ उसको। और जब मुझे मौका मिलता है तो मैं उसका या तो मैं पराठा में बना लेती हूँ, और बहुत ज़्यादा सब्जी वगैरह इकट्ठा हो गई है 3-4 तरह की, तो मैं चावल में उसको डाल करके दोपहर में, नमकीन चावल कह लीजिए, तहरी कह लीजिए, जो कह लीजिए, मैं चावल में डाल करके उसको बना लेती हूँ और किसी भी चीज़ के साथ खा लेती हूँ, सबको खिला देती हूँ मैं। तो जितनी भी सब्जियाँ फ्रिज में होती हैं, जितनी भी 3-4 तरह की, थोड़ी 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 सारी चीज़ें बच जाती हैं, तो सारी चीज़ों को मैं चावल में डाल करके सीटी लगा लेती हूँ, तो वो खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ सब्जियों का। बाहर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और बहुत ही अच्छी वाली बारिश हो रही है। और अभी मैं आई हूँ किचन में सब्जी बनाने के लिए दोपहर का, तो इन्होंने बोला है कि आलू और गोभी की सूखी सब्जी बना लेने के लिए, तो वही मैं आलू और गोभी की सूखी सब्जी बना रही हूँ। तो प्याज तो डालना नहीं है, तो सिर्फ टमाटर डाल के बनाना है और हरी मिर्च, तो मैं आलू के साथ ही हरी मिर्च काट लिया है। और गोभी को ना मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है, ताकि ये अच्छे से बॉयल हो जाए। अच्छे से बॉयल नहीं करना, बिल्कुल पकाना नहीं है, हल्का सा गर्म पानी में उसे छोड़ दिया, ताकि जो भी उसमें कीड़े वगैरह होंगे या जो भी होगा वो सारा चीज़ निकल जाएगा। तो उसके बाद मैं गोभी की सब्ज़ी बनाती हूँ, इनको ऐसे ही पसंद है। तो
आप लोग भी अगर चाहते हैं कि हेल्थ ठीक रहे तो गोभी को बिल्कुल भी डायरेक्ट मत काट करके खाइएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल वगैरह होते हैं और उसमें बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं बरसात के टाइम में, जो दिखते नहीं हैं लेकिन होते हैं। तो इसलिए ऐसे ही खाना चाहिए, हल्का सा गर्म पानी से धो के या हल्का सा बॉयल करके 2 मिनट बॉयल कर लीजिए, फिर खाइए उसे। और उसमें बस टमाटर डालना है, आलू मैंने डाल दिया है, गोभी अभी तक नहीं डाला है। आलू थोड़ा सा पक जाए, क्योंकि गोभी को मैंने गर्म पानी में डाला था इसलिए थोड़ा सा वो पक चुका है, तो अब मैंने ऐड कर दिया है उसमें गोभी। और हल्दी नमक डाल करके ढक दूंगी ताकि वो थोड़ा और पक जाए, और उसके बाद मैं सारे मसाले इसमें ऐड करने वाली हूँ। तो सुबह में तो कुछ बनाया नहीं था सब्जी, इसलिए सुबह का कोई सब्जी बचा हुआ था नहीं, तो अभी सूखी सब्जी मैं बना रही हूँ। इसमें देखिए ये पक चुका है, तो इसमें मैं सूखी धनिया पाउडर जो होता है वो डाल रही हूँ, थोड़ा सा गरम मसाला मैंने डाल दिया है, और तो कुछ नहीं, थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च पाउडर और टमाटर ऐड कर दिया है काट करके, क्योंकि प्याज भी नहीं डलता है तो फिर टमाटर के बिना सब्जी अच्छी नहीं बनती। तो ये सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर दिया है और फिर इसे थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी, क्योंकि अभी टमाटर को भी पकाना है ना, इसलिए थोड़ा सा ढक दूंगी मैं। तो चलिए इसे तो ढक दिया है, थोड़ी देर में ये पक जाएगा, तब तक मैं आटा गूंथ लूँगी दूसरी साइड। और सब्जी भी मैं बीच बीच में चला रही हूँ, आटा भी गूंथ रही हूँ, दोनों काम कर रही हूँ। तो अभी ये मेरा टीवी लग रहा है, टीवी वाले भैया आए हैं बहुत दिनों के बाद, मतलब 2 महीने से ऊपर का टाइम हो गया और अब ये टीवी देने के लिए आए हैं, तो टीवी को सेट कर रहे हैं यहीं पे। एक्चुअली पलंग अभी उस साइड है, लेकिन पलंग वहाँ से हट जाएगा, या टीवी में बाहर हॉल में लगवाने वाली थी बट अभी तक हुआ नहीं है, तो टीवी में हॉल में लगवाऊंगी, पलंग अगर वहीं रहा तो टीवी हॉल चला जाएगा। फिलहाल यहीं पे लगा के हम लोग चेक कर रहे हैं कि चलता है या नहीं चलता है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और इन्होंने क्या किया कि पुराना ही इसका डिस्प्ले ख़राब हो गया था, तो पुराना ही डिस्प्ले लगा के उन्होंने दिल्ली से भेज दिया। जैसे कोई टीवी का होता है ना कि पीछे का पार्ट सही हो, आगे का ख़राब हो, या आगे का सही हो पीछे का, तो उस तरीके से उन्होंने करके भेज दिया है, क्योंकि ये वारंटी पीरियड में नहीं था, ठीक करके दे दिया। यही बहुत बड़ी बात है, नहीं तो सबका टीवी ऐसे ही पड़ा रह जाता है, अपना पैसा देके ठीक करवाना पड़ता है, बट हम लोगों को कोई 1 रुपया खर्च नहीं लगा और टीवी बिना वारंटी के ठीक होके आ गया। तो अभी चेक वगैरह कर रहे हैं। एक्चुअली आप लोगों को दिख ही गया होगा कि भी टीवी लग रहा है, एक्चुअली ये टीवी नया नहीं लग रहा है, टीवी बहुत पुराना है, बहुत 2-3 साल से वो टीवी हम लोगों के पास था। एक्चुअली हुआ क्या था कि वो टीवी बीच में ख़राब हो गई थी, तो वो चल नहीं रहा था, वो ठीक होने के लिए गया था दिल्ली, वो दिल्ली से ठीक होकर के अभी आया है, तो 2-2.5 महीने से वो, एटलीस्ट 2-2.5 महीने हो गए होंगे उसको गए हुए, तो 2-2.5 महीने बाद आज मेरा टीवी वापस आया है और वो लगाने के लिए भैया आए हैं, तो वही अभी लगा रहे थे, इनको भूख बहुत तेज़ लगी थी बट अब वो लगाने के लिए भैया आ गए, तो फिर अब 1-1.5 घंटे के लिए इनका खाना ब्रेक हो गया है, क्योंकि अब टीवी लगेगा, सारा फंक्शन वगैरह ये चेक करेंगे कि क्या कैसे सब ठीक ठाक है कि नहीं है, तो उसके बाद तो 1-1.5 घंटे के बाद ही मैं रोटी बनाऊंगी। चलिए पहले देख लेते हैं टीवी। अभी अभी भैया गए हैं ठीक होकर के, उनको चाय वाय पिला करके अभी भेजा है, तो फिर अभी टीवी वगैरह ये देख रहे हैं, और फिर अभी तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया, तो बोल रहे कि अब जल्दी से खाना दे दो, क्योंकि बीच में वो आ गए थे तो इसलिए वो खाना खा नहीं पाए थे, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, 2 घंटे का टाइम लग गया, तो जल्दी से मैं रोटी बना रही हूँ अभी। बस मम्मी को खाना नहीं है, बस मम्मी को भी खाना है, सारे लोगों का बनाना ही है अभी, तो मैं फटाफट से रोटी पहले बना लेती हूँ। आज पता है आज पूरा दिन मेरा किचन में ही बीत गया, बस किचन अभी जस्ट मैं किचन से निकल के आई हूँ, मतलब खाना पीना हो गया था तो सारा किचन क्लीन करके, क्योंकि कल है फिर से श्राद्ध का खाना बनना है, और कल बड़ी श्राद्ध है तो उसमें बहुत कुछ बनना होता है, पुआ बड़ा ये सारा चीज़ बनना होता है, तो मम्मी ने दाल सुबह में भिगोई थी, पीस के रख दिया, उसका बड़ा बनाना है अभी, तो मैं सोच रही हूँ कि शाम का खाना बना करके पहले रख लूँ, उसके बाद में वो काम करूँ पूरा किचन क्लीन करके। तो आज पूरा दिन बस किचन 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 में ही निकल गया आज पूरा दिन, और अभी भी मुझे खाना बनाने के लिए फिर से किचन में जाना है, तो अब मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं लेके जाऊँगी, नहीं तो आप लोग कहोगे क्या यार सारा दिन किचन किचन किचन। और बड़ा भी बनाना है, तो देखती हूँ अभी बस जाती हूँ, मैंने सोचा चलो थोड़ा देर आप लोगों से बात कर लेते हैं, वीडियो का एंड कर लेते हैं, फिर मैं किचन में जाऊँगी, क्योंकि बड़ा मुझसे अकेले से नहीं होने वाला है, तो मुझसे अकेले से बड़ा बनता नहीं है, क्योंकि मैं अगर डालती हूँ तो मम्मी तल तल के निकालती है, तो 2 आदमी का वो काम हो जाता है, जो एक्सपर्ट होते हैं वो अकेले भी बनाते हैं, बट मुझसे नहीं बनता, मैं दो लोगों से ही बनता है,
तो वो मुझे अभी बनाना है। तो मैं सोच रही हूँ, थक आज बहुत ज़्यादा गई, पता नहीं क्यों लेकिन थक गई हूँ, और पता नहीं खुद में ही बातें किए जा रहे हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ, बस किचन में ही जा रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो इस वीडियो को कर देते हैं एंड, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो, उसके लिए थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए, मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। और चैनल को सब्सक्राइब करने में नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आता है, उसे प्रेस करिए, और उसके बगल में बेल आइकन आएगा, उसे दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरे नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और हाँ, आप लोग किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पापा आगे भी तो बोलो। जोनी जोनी ये पापा और ईटिंग सॉन्ग बनाओ पापा, देंग लाइन नो पापा, और ये वाउट मुंह में नहीं लेते। और ट्विंकल 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 लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप टू व्हाट व्हाट यू आर, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। बोलो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना। हेलो, अभी कान्हा ने आप लोगों को राइम सुनाया, और ये अभी नया नया स्कूल जाना शुरू किया है, तो उसको बहुत ज्यादा क्रेज है, तो इसलिए इसने आप लोगों को सुना दिया, मुझे तो ये सुनाता भी नहीं है। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगा थोड़ा सा भी वीडियो, तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करिए। मैंने आपको बताया ही नहीं, सब्सक्राइब करने के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आएगा, उसे प्रेस करिएगा, और उसके बाद में बेल आइकन आएगा, उसे दबाना बिल्कुल भूलिएगा, है ना काना? हाँ। चलो हम लोग मिलके बाय कर देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। किस किस को लगता है कि किचन में काम करना बहुत आसान होता है, नीचे कमेंट करके जरूर शेयर करना मेरे साथ।